यूपी के सुल्तानपुर जिले में तैनात लेखपाल के सामने एसडीएम डीएम से शिकायत का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। कार्यवाही का बहाना लेकर अफसर भी अवैध वसूली करने को बढ़ावा दे रहे हैं। लेखपाल की कार्यशैली से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लामबंद हो कई ग्रामीणों ने एक बार फिर डीएम रविश गुप्ता से शिकायत की है। मामला लंबुआ तहसील के हरिपुर बनवा गांव का है। यहां पर काफी समय से लेखपाल राकेश चौबे जमे हैं। इनके पास पांच पांच गांवों का इंचार्ज है। ये पहले मोटी रकम लेकर गांव में स्थित पट्टा तालाबों ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करवा कर घर बनवा देते हैं। बाद में 122 बी की कार्यवाही कर अभदान दे रहे हैं। यही नहीं, वर्तमान में तो घरौनी दर्ज करने के नाम पर भी वसूली में मशगूल है। तीन चार दिन पहले गांव में स्थित इंटर कॉलेज व सरकारी जूनियर विद्यालय को जाने वाले रास्ते पर कब्जा कराते हुए जितेंद्र मिश्र ने तीन शेड रख लिया। बताते जितेंद्र मिश्र व उनकी पत्नी के नाम पर काफी जमीन है, पक्का मकान है। बताया जा रहा है कि भूमिहीन दर्शाकर पट्टा ले लिए हैं, जबकि इनके लड़के वर्तमान में गैर जनपद में लेखपाल के रूप में तैनात है। फिलहाल ग्रामीणों ने तीन शेड को उखाड़ कर फेंक दिया है। ग्रामीणों ने दर्जनों बार एसडीएम थाना दिवस, तहसील दिवस व डीएम से मिलकर कर चुके हैं। अफसरों का वही रटा रटाया जवाब, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। देखा जाए तो इस मन बड़ लेखपाल राकेश चतुर्वेदी की तैनाती के बाद से पूरे गांव में विवाद मचा हुआ है। यदि हटाया ना गया तो भविष्य में गंभीर घटना से भी इनकार कर पाना मुश्किल होगा। वैसे भी पंचायत चुनाव को लेकर हर गांव में लामबंदी शुरू हो गई है। प्रधान व कई ग्रामीण तो सीधे सीधे लेखपाल पर ही अवैध वसूली करने व विवाद कराने की मुख्य जड़ इन्हीं को मान रहे हैं। फिलहाल लोगों का कहना भी यही है कि जब सत्ताधारी के करीबी है तो किसकी मजाल जो इन्हें हटा सके। खैर, और भी चर्चाएं आम है। मैं आपका क्या मामला? राम सजीवन यादव सर, हरिपुर बनवा ग्राम सभा के हैं हम। हमारे घर के बगल एक रामायण मिश्रा हैं, उनको लेखपाल जी जो हमारे यहाँ हल्के के लेखपाल हैं उनको कहते हैं पट्टा दे दिए हैं। वो सरकारी जमीन है, उसको कब्जा कर रहे हैं। दो विद्यालय, एक जूनियर एक इंटर, और हमारे लोगों को वहीं निकास है और बच्चे खेलने के लिए है। वहीं होलिका हमारी जलती थी, वहाँ उनको चादर छुवा दिए, रात को चोरी छा दिए। वो विद्यालय भी दो दो है, सरकारी एक प्राइवेट, एक इंटर एक जो है जूनियर, तो रास्ता भी वही है। तो उसको कब्जा करवा रहे हैं, बोलने धमकी देते हैं कि तुमको बंद करवा दूंगा, तुम्हारे नाम एफआईआर कर दूंगा। हमारे बारे नाम पे एक बारी एफआईआर कर भी दिए थे, वो लॉकडाउन में गाय बांध दिए थे हम वहीं सड़क के किनारे में। तो ऐसे धमकी देते हैं, हर चीज़ के लिए पैसा मांगते हैं। इनके पास जाओ, रामायण और लेखपाल साहब की मिली भगत चलती है, उनका कार्य करते हैं, लिखा पढ़ी वो करते हैं। वो अपना ढाबे बैठे रहते हैं या तो अपने घर बैठे रहते हैं, जो है गोल 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 के घुमा के गोली देते हैं, सबको परेशान करते हैं। हर आदमी, हर पांच ग्राम सभा उनके पास है, पांच ग्राम सभा में हर आदमी प्रताड़ित है उनसे। हम लोग इनसे बिल्कुल खिलाफ हैं। अधिकारी महोदय, इनके ऊपर कृपा ही करें हमारे सबकी, इनको हमारे ग्राम सभा से हटवाया जाए किसी भी हालात में। हमको मतलब बिल्कुल चाहिए नहीं ऐसे लेखपाल हमारे यहाँ, हमको प्रताड़ित करते रहे। राकेश चौबे जी हमारे यहाँ के लेखपाल हैं, और बिना पैसे कोई कार्य करते नहीं है, और वहीं ढाबे बैठ के जो है पूरा पांच ग्राम सभा संचालन करते हैं। उनके एजेंट लोग मतलब सेट हैं, जो बोल देते हैं कि वहीं से जाके जो है मामला सेट कर लो, एजेंट लोग पैसा जो है वहाँ पहुँचा देते हैं। आप इस मामले शिकायत उच्च अधिकारी जिले, अरे उच्च अधिकारियों से शिकायत की, एडीएम के एप्लीकेशन डाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कारण सुनवाई नहीं होती? अब बताते हैं कि सत्ता पक्ष जो है उसके माननीय के जो है करीबी हैं, यही अपना बताते हैं क्या मामला है। हम लोगों को पता है नहीं जो सत्ता पक्ष माननीय है, अब कोई होगा आपको क्या पता है। बताते हैं अपने आपके माननीय बहुत खास है। जी जी जी, क्या नाम है आपका, क्या मामला है? मैं भदैया ब्लॉक के हरिपुर बनवा ग्राम सभा का प्रधान हूँ। हमारे ग्राम सभा में राकेश चौबे चतुर्वेदी लेखपाल हैं, जो कि बहुत ही भ्रष्ट हैं। इनके खिलाफ हम उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। आय जातिवाद, बंजर में घर बनवा देना, तालाब में घर बनवा देना, अवैध वसूली करना, फर्जी मुकदमा करना, जब से आए हैं कम से कम 200 मुकदमा हमारे ग्राम पंचायत में किए हैं फर्जी तरीके से। 167 का लाभ दिए हैं, जिनको पूर्व में लाभ मिल चुका है, एक नहीं दो दो तीन तीन बार दिए हैं, और पूरी जनता बहुत आक्रोशित है। और
आए जात निवास पे बिना पैसा लिए 200, 400, 500 लिए रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। आपने इसकी शिकायत जो है मैं इनकी शिकायत डीएम एसडीएम सबसे कई बार कर चुके हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वो राजनीतिक संरक्षण के कारण कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक मैं तुमको हरवा नहीं दूंगा चुनाव तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कोई मेरा ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता है। किसका राजनीतिक संरक्षण है? अब किसी का है राजनीतिक संरक्षण है और कई बार कर चुके हैं, यहाँ तक सीआरओ साहब से भी हमारी झड़प हुई और लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कहते हैं उच्च अधिकारी जब आप इनकी शिकायत करते हैं तो? सीआरओ साहब से कहे तो कहें जांच करवा लेंगे, एसडीएम साहब से कहे तो कहें जांच करवा लेंगे, सब जांच के नाम पे गोल गोल घुमा देते हैं, कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप ही लोग द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि ऐसा कोई आरोप है तो उसकी हम परीक्षण करा लेंगे उप जिलाधिकारी स्तर से, यदि बात सत्य है तो नहीं बिल्कुल इस प्रकार का कोई भी आचरण हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी लेकिन पहले जांच कराएंगे। दस्तक भारत टीवी से अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट।